सुप्रभात बच्चों, हमने तीसरा पाठ शुरू किया है। कौन सा है? बस की यात्रा। तो बस वाहन, हम कौन कौन से वाहन में आना जाना करते हैं। बाहर बहुत दूर जाना है तो हम कहाँ जाते हैं? हाँ, जल्दी पहुंचना है तो हम हवाई जहाज भी जाते। अगर हम अच्छा देखते हुए मनोरंजन करते हुए जाना है तो हम रेल में जाते हैं ना। रेल डूबती है, हर स्टेशन में बाहर देखते हैं बच्चे और अच्छा मनोरंजन होता है तो उसमें हम इंजन रेल में जाते हैं। तो और यहाँ का हम शहर में ही जाना है तो हम कहाँ कैसे जाते हैं? पहले तो बस देखते हैं क्योंकि बस में हमको किराया भी कम होता है, पैसे टिकट भी कम होता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बस का उपयोग करते हैं। नहीं तो हमारे पास हमारा स्वयं का कार है, हमारी खुद की कार है तो हम कार में बैठ के आते हैं। स्कूटर आया तो क्या हुआ, हर घर में स्कूटर और कार हो गई है तो वो अपने अपने कार में बैठकर या अपने अपने स्कूटर पर बैठकर दूर तक करते हैं। तो पहले के जमाने में क्या था, पहले अपने घर में कोई भी टीवी नहीं था, कार नहीं थी। हाँ, और पहले बहुत पहले तो प्राचीन काल में तो क्या, किधर जाना है बेटी को अगर 17 में दिए, अगर उसको मिलने जाना है तो अच्छा 3-4 दिन की रोटी वेटी बांध, सूखी चटनी ऐसा बांध कर लेके जाते थे और जाते थे, रात होते ही किसी गांव में रुक जाना, फिर सुबह उठते ही फिर पैदल चलना, मतलब पैदल चल के ही अपने आत्म बंधुओं अपने रिश्तेदारों को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसा हमारा आधुनिक काल, जैसे जैसा हमारे खोज होते गई तो ऐसा ऐसा हमारे घर में हमारे देश में क्या हो गया, वाहनों का उत्पत्ति हो रही है और जो नए नए एक मिनट में भी हम कहीं पर भी जा सकते हैं। अब तो हम घर बैठे भी हमारे मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं, है ना, वीडियो में कितना अमेरिका में विदेश में है तो भी हम एक दूसरे के देख के आनंद होते हैं, मिले जैसा हो जाता है, कई देर तक हम बात करते हैं, उनका घर भी देखते हैं यहाँ बैठकर और जो बात करते हैं मिलते हैं तो ऐसा हो गया। तो पहले कैसा था, ये गांव में बस तो थी, तो यहाँ पर गांव में एक गांव में बताया है वहां पर बस से प्रवास कर रहे थे। तो अब एक 5 मित्र थे, वो 5 मित्र गांव यहाँ से थोड़ी दूर, थोड़े ही मतलब 5-6 किलोमीटर ऐसे जाना था तो बस से जाके फिर अपने स्टेशन था, वो स्टेशन पे से फिर रेल पकड़कर उनको जबलपुर जाना था। तो अब उनको कोई बस नहीं दिखाई दी, तो देखो ये बस दिखाई दी, ये बस की हालत कैसे आप देख ही रहे हैं। तो एक जन बोले, आप क्यों ऐसा बस में जा रहे, इस बस से तो यात्रा नहीं कीजिए आप, अगर आप अगर गए तो आप मतलब हमारा तो मतलब है कि आप पहुंचेंगे नहीं, ऐसा ये है तो वैसा बोल रहे थे। तो इनकी बातें नहीं मानकर क्यों क्यों नहीं जाएगी, तो दूसरों को पूछे, वो ड्राइवर को पूछे, जाएगी क्या बस? हाँ क्यों नहीं जाएगी, जाएगी, सबको लेके जाएगी, ये ऐसा वो कर रहे थे। तो अब देखो आपको आगे पढ़ेंगे पन्ना नंबर 17। तो कैसा 5 मित्र कैसे गए, कहाँ तक पहुंचे, कैसे बस करी, हम थोड़ा थोड़ा वो दो अनुच्छेद ही पढ़ेंगे। और जहां तक आप पढ़े, आप शायद आप पढ़ लिए होंगे, मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 16 आप पढ़ना है, यहाँ तक हुआ था अपना। लेकिन जब भी मैं पढ़ाई वहां तक, जहां तक पढ़ाई वहां तक आप एक बार पढ़ना है, तभी हमको पाठ का सारा जो भी है मालूम होता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और बैठ गए जैसे तैसे वो बस में बैठ गए। और ड्राइवर जब स्टार्ट करे तो कैसा लग रहा था, इंजन तो स्टार्ट हुआ लेकिन क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस नहीं है, हम बस ही इंजन, पूरी इंजन ही दिख रही लग रहा था। और क्या हुआ था, जैसे इंजन के अंदर ही हम बैठे, हम इंजन के पास बैठे क्या नहीं, जो उसे ब्लॉक रहता है जब ड्राइवर चलाता है तो उसका हिस्सा अलग होता है ना, वो उसको बैठने की जगह होती है, वो हैंडल करने के लिए, ब्रेक मारने के लिए सब कुछ होता है ना, तो उसको अलग जगह होती है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हम इंजन में बैठे, ऐसा उनको हो गया। जैसा बस शुरू होते ही कांच बहुत कम बचे थे, कांच मतलब खिड़कियों को रहते ना, खिड़कियों को कांच रहते ना, तो थोड़े खोलते थोड़े बंद भी रखते, बरसात आने से तो लगाते इसलिए वो सेफ में रखते हैं। तो कांच भी उसको ठीक से नहीं थे, आधे फूटे हुए थे, कोई खिड़की को थे कोई खिड़की को नहीं थे, ऐसा वैसा था। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और भी जो बचे हैं आधा आधी जो टूट के कांच बचे होते ना उसको भी, उससे भी हमको बचना था क्योंकि हम हाथ रख दिए या उसको हाथ लगाए, अगर वो ऐसी ऐसी चल रही है स्टेक मारते हुए तो लग जाएगा हाथ को, हमारा दुर्घटना हो जाएगी हमें, इसलिए उससे भी हमको बचना है। ऐसा हो,
हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और उसको देखते ही टूटी हुई खिड़कियों का कांच देखते ही वो सीट के जरा बाजू हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और भी देखो, इंजन तो चल रहा था, बस भी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन इनको क्या लग रहा था, देखो यहाँ पर बताए, ये सीट बताए, देखो अंदर का हिस्सा बताए, तो उनको लग रहा था कि बस नहीं चल रही, इंजन हमारे नीचे ही है, सीट के नीचे ही है, ऐसा उनको लग रहा। सीट मालूम यहाँ पर रहता ना सोफा के जैसा, बैठने की चेयर बताते, एक एक सीट में दो लोग बैठ सकते, अगर एडजस्ट करते तो तीसरे को बिठा लेते अगर उसे जगह नहीं मिली करे तो, लेकिन तो ही आदमी वहां पर आराम से बैठ सकते। तो यहाँ पर बैठे है देखो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सीट के नीचे इंजन ही, ऐसे इतनी आवाज आ रही है उनको, बस सचमुच चल पड़ी। और हमें लगा कि यह गांधी जी के सहयोग और सविनय की अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो इनको लग रहा है ये कितनी पुरानी है, जब गांधी जी हमारे देश के लिए स्वतंत्र करने के लिए, देश को गुलामी से हटाने के लिए जब लड़ रहे थे ना, जैसे आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कैसा करते, सत्याग्रह कैसा करते, सबको साथ लेके धीरे 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 चलते ना, और कुछ आवाजें करते निकल जाओ हमारा देश आजाद करो, जो भी नारे लगाने में नारे लगाते हुए चल रहे थे ना, वैसा गाड़ी चल रही थी। और शायद जब उस समय जमाने में ये सुंदर और जवान होगी, मतलब अच्छी होगी जब ये बस बोल के वैसा सोच रहे बोलो, किसकी तुलना करने पहले बूढ़े बोले, आप क्या कर रहे जवान का मतलब युवा लोग कैसे होते हैं उसकी तुलना डिफरेंसेस कर रहे हैं बस से, वो अपनी कल्पना है, कल्पना से सोच रहे, वो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी तो ट्रेनिंग भी दिए होंगे चलाने चलने की, कैसा चलना ट्रेनिंग का, बस को थोड़ी देते ड्राइवर लोगों को देते। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, हर हिस्सा बोलते तो जो चलाने का है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सीट है, सब लोग ऐसा हट रहे थे, तो एक दूसरे को वो अपने आप को संभाल रहे थे जो चीजें हैं बस में वो, क्योंकि बस उतनी पुरानी हो गई थी, तो उस पुराने बस का वो वर्णन कर रहे हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी, जैसा सत्याग्रह करने जब सब लोग एक के पीछे जाते हैं धीरे धीरे और रुकते हुए, कभी रुक जाते हैं कभी नारे लगाते हैं, वैसा ये बस की जैसे किसी की जो रोकते भी है ना आंदोलन करते समय, वैसा उसको कोई रोक नहीं है, ऐसा वे चल रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट तो हमारे साथ नहीं दे रही थी, जैसे सीट पे बैठे वैसे ही वो सीट भी हल रही थी, और कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, ऐसा लगता था कि सीट भी हमारे हमको छोड़कर जा रही है, या इतनी हल रही थे मतलब उसका पुर्जा ढीला हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो भी बाजू चल रही है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी हमें भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और जैसे 8 मील दूर चले गए, कौन ये बस पूरा लेके गई, और भी लोग थे, ये 5 के साथ और भी थोड़े लोग थे, और वो वहां तक चले गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ऐसा लग रहा था कि बस में बैठे तो सीट पर हम बैठे हैं या सीट को ही लेके हम बैठे हैं, ऐसा उनको लग रहा था, ऐसी गाड़ी की स्थिति थी। फिर भी वो लोग, क्योंकि गाड़ी आगे की मिलना और समय पर पहुंचना, दूसरे दिन ऑफिस को जाना था उनको, दफ्तर में, ऑफिस मतलब दफ्तर तो जाना था, इसलिए वे लोग उसी बस में चढ़ गए और उस बस का वर्णन हमने कर रहे थे। तो यहाँ तक हो गया, देखो पेज नंबर 17-3 लाइन, तो नहीं यहाँ पर एक अनिच दो अनिच होते गए 17 पन्ना पर, यहाँ से आप लोग यहाँ तक पढ़ना है दूसरे, तो अपन यहाँ तक यहाँ से पढ़े, तो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए क्या क्या है, पन्ना बोल तो पेज, पन्ना बोल तो पेज, श्याम बोल तो शाम का इवनिंग है ना, सतना बोल तो गांव का नाम है, ट्रेन बोल तो रेलगाड़ी मालूम है ना, और हाजिर होना बोल तो उपस्थित होना, जहां पर है वहां पर उपस्थित होना, वापसी बोल तो वापस चले जाना, सलाह बोल तो हमारे और हमारा राय देना, हमारी जो भी हम जो भी बोलना चाह रहे हमारी भी कुछ इच्छा है वो बोलना, सलाह देना, और सफर बोलो तो यात्रा, किधर भी जाना है तो उसको सफर बोलते,
डाकू बोलते जो चोरी करते हैं, बड़े बड़े डाकू, खाली छोटे चोर करने वाले को चोर बोलते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े घर कार वो ये जैसे चोर चुराते हैं, बड़े खजाना लूटते हैं, उसको बोलते हैं डाकू। और उसके पत्नी को डाकिन, है ना, लिंग बदलवा। श्रद्धा बोलते विश्वास, वयोवृद्ध बोलते बूढ़े लोग, जिसकी आयु ज्यादा हो गई उसको बोलते हैं बूढ़े। और कष्ट बोलते दुख, कष्ट बोलते दुख, ऐसा हम पूरे ये शब्दार्थ यहाँ भी है, हम देख लेंगे और जूम क्लास में भी मैं सब देखूंगी, तब आपको पेंसिल से लिख लेना। गजब बोलता हूँ अचरज, वंडरफुल, और नवे नवेली, ज्यादा विश्वसनीय, विश्वसनीय बोलता हूँ विश्वास करना, भरोसा। और अंतिम बोलते लास्ट, अंतिम बोलते लास्ट में बोलते, विदा बोलते हूँ विदाई लेना, चले जाना उनको छोड़कर। और फकीर, रंक, राजा बोलता हूँ राजा, जो अमीर है। रंक बोलता हूँ गरीब, फकीर बोलता हूँ जो जिसके पास और भी कुछ नहीं है, जो मांग लेता है अपने इसके लिए जरूरत के लिए चीजें, उसको फकीर बोलते। स्टार्ट बोलते शुरू होना, इंजन तो मालूम है आप लोगों को, हर हर वाहन के लिए इंजन जरूरी है। कांच बोलते शीशा, मालूम है ना। और फौरन बोलते बहुत जल्दी, सीट बोलते बैठने का, सहयोग, आंदोलन बोलते सत्याग्रह, स्ट्राइक, क्या बोलते उसको ट्राइक, स्ट्राइक बोलते, ऐसा हो गया। ये अवज्ञा बोलते आज्ञा लेकर चलना। और यहाँ पर 8-10 मील बोलते किलोमीटर, यहाँ तक अपना हो गया। देखो हम बैठे सीट पर या सीट हमें, ऐसा उनको ये 5 जनों को लग रहा था, मतलब डरते हुए वो सफर कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, कितने बजे पहुंचे और रास्ते में क्या कठिनाई आई, हम आगे देखेंगे। तो आप यहाँ से लेके पेज नंबर 16 और 17 में 2 अनुच्छेद तक पढ़ना है, पढ़कर फिर हम जूम क्लास में जो भी है शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।